विपद नाहीं 26 सप्ताह गर्भधारण पर गर्भपात महिला आवेदन को सुप्रीम कोर्ट को खारज। हाँ आज्ञा आपण को भी टिके शुणा को यह ताजुब लगुव कौन 26 सप्ताह कौन ही विपद नहीं आई सुप्रीम कोर्ट रे यही नहीं आवेदन करा। सूचना अनुसार जड़े बिवाहिता महिला 26 सप्ताह गर्भधारण करने गर्भपात सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करते जहाँ सुप्रीम कोर्ट खारज कर यहाँ को नहीं सुप्रीम कोर्ट कहते गर्भस्थ शिशु सुस्थ रही जदि गर्भधारण 24 सप्ताह अधिक हुए तबे गर्भपात अनुमति दिया जाई पारिब नाही। महिला गर्भधारण 26 सप्ताह 5 दिन थिला मामला रे महिला कौन सी विपद नहीं अस्वाभाविक भ्रूण मामला भी नुहे तेणु गर्भपात अनुमति दिया जाई पारिब नाही। तेणु गर्भपात अनुमति देवा एमपीटी आईन धारा 3 और 5 र उल्लंघन हेबो कारण यही मामलें माँ का जीवन प्रति कौन सी विपद नहीं भ्रूण अस्वाभाविकतार मामला नुहे। प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा एक खंडपीठ अक्टोबर 9 सर्वोच्च न्यायालय आदेश को प्रत्याहार करने को केन्द्र आवेदन उपरे शुणाणी करते आुणाणी बेले खंडपीठ कही आमे शिशु को हत्या करूना एथस खंडपीठ कही एक जन्मित शिशुर अधिकार एवं मां का स्वास्थ्य आधार निष्पत्ति नेबा अधिकार मध्यरे संतुलन स्थापन करिवार आवश्यकता रही। अक्टोबर 10 रे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बा एम्स मेडिकल बोर्ड रो जने डाक्टर एक ईमेल पठाइबा परे एही समस्या उपजिथिला कुहा जाइथिला जदि एही पर्याय रे गर्भपात करा जाए तबे गर्भस्थ शिशुर बंचिवार संभावना अछि। या पूर्वरु बोर्ड उक्त महिलांक अनुसंधान करी अक्टोबर 6 रे सर्वोच्च न्यायालय रे रिपोर्ट उपस्थापन करथिले। अक्टोबर 9 रे महिला जनक उदासीनता एवं भाव प्रवण हेबा सहित आर्थिक स्तर रे तृतीय संतान लालन पालन स्थिति रे नथिबा दर्शाई महिलांकु तांको गर्भपात मेडिकल रे करिबाकु कोर्ट अनुमति देथिले। महिलांकर समस्त चिकित्सा खर्च बहन करिबाकु राज्य सरकार को निर्देश दिया जाइथिला। आवेदनकारी तांको गर्भपात पई करथिबा आवेदन रे उल्लेख करथिले जे से पोस्टमार्टम साइकोसिस रे पीड़ित अछन्ति। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।